ये है पीछे सदरलैंड का एरिया। सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं तो दिस एरिया इज वन ऑफ दोज। लेदर वाली बॉल्स भी बड़ी हैं। ये तो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। क्या ले लिया गया नेहा, जरा बता दे। मैंने नहीं लिया इस बार। बट ये ना एरिया इतना अच्छा नहीं होता। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। देख सकते हैं आप, हम आ गए गार्डन में। सुबह के 10 बजे हैं, संडे मॉर्निंग, एंड वी आर गोना लीव इन फ्यू मिनट्स। नेहा जी जाने से पहले अपने गार्डन को पानी देना चाहती हैं। अच्छा, आज गर्मी बहुत है, लेकिन फूल आप देख रहे हो थोड़े ऊंचे ऊंचे होने लग गए हैं। ये वाली जो फ्लावर बेड है, ये कम स्पीड से भर रही है जैसे वो जा भर रही है। हाँ। शायद तूने यहाँ एक्स्ट्रा लगाया होगा कोई, है ना? नहीं देख, 2, 4, 6, 7, 8, 9 है। अच्छा, कितने? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है, 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके ओके, बढ़ गए हैं ना ये। अगर मैं नंबर्स गलत करने से लग जाऊंगा तो मेरे तो जॉब खतरे में आ जाएगी। आई डू दैट फॉर लिविंग। बड़ी सोनी आवाज आ रही है पंछियों की एज यूजुअल। और ना ये देखो कितने सोने खिल गए हैं यार, यार। मजेदार, बड़ा खुशी मिली है। बहुत हाँ, बहुत ही खुशी मिली है। आइए ना, दे दिया मम्मा। आइए, हम जस्ट फिलिंग अप। मम्मा टॉप अप कर रही है थोड़ा सा वो ज्यादा। और उतने ट्रिप बनाने पड़ेंगे। इसके देखो कितने सोने निकल आए फूल यार, ब्यूटीफुल। ये देखो मजेदार, इस पे कोई फूल नहीं आया, पता नहीं इसका क्या होगा। नहीं वो आने स्टार्ट, वो देख 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 वो भाई साहब, ये देख, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आना स्टार्ट हो गया। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपको पता ही है। सो एजेंडा कुछ नहीं है आज, फिर से हमने जाना है। कल हम गए थे स्विमिंग पे, आइए की स्विमिंग पे। पौधों के पीछे एक्चुअली ना, इन पौधों के पीछे घास काटना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो जो हमारा वेपर स्निपर है उसी से कटती है। तो नया कल मैंने काट दी थी, तो नया कह रही ठीक कटगी। सो हमारा तो वही है, अब बच्ची के लिए जीना है। तो बच्ची की कल गए हैं स्विमिंग, आज है इसकी बर्थडे पार्टी, कल भी एक बर्थडे पार्टी थी। चल भाई बेटा, वो देखो कितना काम भी होता। ये भी सच बात है, बोर हो जाते हैं। जिस दिन इसने बोलना ना कि मैं जा रही हूँ, हाँ। तो, you know, लाइफ में कभी भी ऐसा मौका तो आएगा ही, जब ये बोलेगी बिल्कुल वेले हो जाना है लाइफ में। उसमें बच्चे के साथ ही होता है सब, आया के साथ है। सच में, और गई है पानी डाल के आई है, बड़े बड़े मतलब सीरियसली पानी डालती है पूरा हर जगह। आई है स्टार्टेड टू बी सो इंडिपेंडेंट। मेरी मम्मा गार्डन लगाती थी, गार्डन में ये करना होता है, ये करना, इसको वो काफी समझ आ जाएगा। काफी समझ आ जाएगा, यही होता है पेरेंट्स, है ना। ये सब चीजें अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। आजकल काफी शॉर्टकट में चल रही है लाइफ। इवन दो बिजी हो गए हैं हम लाइफ में, लेकिन स्टिल इफ यू लुक बैक ऑन आवर मदर्स हु यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन लाइफ, आवर पेरेंट्स हु यूज्ड टू यू नो गो आउटसाइड एंड मॉम्स घर पे रहती थी, दे यूज्ड टू डू प्रीटी मच एवरीथिंग। एंड हम लोग की लाइफ ना जितनी ज्यादा बिजी हो गई है, उतनी ज्यादा मैकेनिकल हो गई है, उतनी ज्यादा शॉर्टकट कर दिया है। और वही बच्चा भी देखता है फिर, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे इनहेरिट व्हेन दे लुक एंड यू नो ऑब्जर्व यू एज पेरेंट्स, और शायद नॉलेज बढ़ती है। हाँ, तो चलो जी, ये थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकते हो। आई नो एवरीबडी इज वेरी बिजी, एवरीबडी हैज सो मेनी थिंग्स एल्स प्रायोरिटी, बट यू नो घर को मेंटेन करना और घर को अपने हाथों से सजाने की जो खुशी है वो बरकरार रखने में यू नो बहुत और इट माइट लुक लाइक इट्स लॉट ऑफ वर्क, बट सच बताऊं सबसे पहले साल बहुत वर्क था, बड़ी मेहनत थी, उसके बाद बड़ा आसान हो गया। इस बार हमने कुछ भी मेहनत खास नहीं करी। चल लाडो, चल पुत्री, चले, लेट हो रहा है। वो देखो हर जगह पानी डाल रही है जा जाके, ये इतनी सियानी पुत्री है। आजा पुत्र, आजा। और आइया ने ना, मैंने देखा है वो बर्ड्स का भी पानी डाला उसमें। मैं पीछे ट्रीज को नहीं डालती पानी, ये डालती है सब जगह जाके। Somebody is burning fire pit already. हाँ फायर पिट, हाँ बेटा, चल चले, लेट हो रही। नो फ्रिल आ गए हैं फटफट ग्रोसरी करने, आइया को छोड़ा है बर्थडे पार्टी पे एंड आ गए हैं हम अपना। आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर इतनी जल्दी आने के लिए। और ये वो नो फ्रिल है जो आइया हेट करती है। हाँ, लेकिन सुबह सुबह आने का फायदा होता है, फटफट हो जाएगा काम और फ्रेश मिलेगा, फुल स्टॉक्स ऑफ शेल्फ मिलेंगी। Backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because.
cause I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? आई यूज़ टू वर्क वेरी क्लोज टू दिस प्लेस नो फ्री लॉन 22nd और इसलिए ना ये मेरी ये बहुत ही छोटा स्टोर है, सिर्फ ग्रॉसरी पे फोकस करता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. बट ये ना एरिया इतना अच्छा नहीं होता इसलिए आरिया को यहाँ आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. बट यहाँ पे यू गेट समटाइम्स वेरी गुड डील्स क्योंकि हर स्टोर जो होते हैं ना एरिया के हिसाब से अपने प्राइजेस को मेनटेन करके रखते हैं. ये जो स्टोर है थोड़े ऐसे एरिया के पास है जहाँ पर लो इनकम पीपल जा रहते हैं. सो यहाँ पर मैं पहले एवरी फ्राइडे आई यूज़ टू कम एंड गेट ग्रॉसरीज यहीं से. बट इसीलिए मेरे को ये अच्छा लगता है स्टोर. और सुबह सुबह आना सबसे अच्छा है, खाली पड़ा हुआ है. लेकिन आरिया को बिल्कुल नहीं पसंद ये स्टोर क्योंकि उसको ना ऐसे से मतलब लोकेलिटी थोड़ी सी, अब ये मान लो लोग थोड़े से ऐसे, उसको सेफ नहीं लगता. लेकिन हम अपना लगे हुए हैं अपनी हंट पे सुबह सुबह. गुड थिंग इज देयर इज नोबडी. बच्चों के बिना अच्छी ली जाती है, पैसा कम लगता है, थोड़ा सा बंदा डील्स देख लेता है ध्यान से, दो मिनट लग जाते हैं, नहीं तो वो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. डैडा 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 हाँ उस डन हो गया सारा सामान आज नोफ्रिल से मिल गया, बहुत ही अच्छा. मेरे को तो आपको तो पता ही है मेरा नोफ्रिल फेवरेट है, मज़ा ही आ गया. यहाँ पे ना लोकल बेकरी की ब्रेड मिली है बड़ी शानदार, नेस्टर बेकरी. और ये घर पे बनेंगे कैसे डिलास जी बनाएंगे. सब कुछ ले लिया है, हेडिंग आउट. कुछ कुछ सामान मेरे को दिखता है जब मैं उसको पैक कर रहा होता हूँ, ऐसा होता है, छुपा दिया जाता है. सब बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जल्दी. एक चीज लेने आई है बस नेहा, देखते हैं एक चीज, वो एक चीज क्या है जो लेने नेहा यहाँ आई है. कहाँ पे? सेवर सुपरमार्केट. एक ही चीज है. क्या ले लिया गया नेहा जरा बता दे. मैंने नहीं लिया इस बार, मैंने भी अपनी एक चीज ले ली, क्रिकेट बैट लिया. ये वाला, ये प्लास्टिक वाला, ये वाला जो है ना विकेट्स के साथ ही ना. एक्चुअली हमारे पास जो बैट है वो काफी हैवी है और वो बच्ची को मुश्किल होती है उसमें. तो एक ही बैट हमारे पास तो है, बैट ये आरिया के लिए, ये आरिया के लिए है. और ये प्लास्टिक का है ना तो इसमें विकेट्स के साथ आया है. आरिया कहती थी कि मेरे को हल्का बैट चाहिए और उसके लिए भारी है वो बैट जो हमारा लकड़ गया. मैंने कहा चल आज ले लेते हैं. ये बहुत अच्छा है. लूडो तो इनके पास याद है. तो इनके पास ना यहाँ पे सेल चल रही है क्रिकेट के सामान पे, अगर किसी को चाहिए तो सारा सामान है. देख लो क्रिकेट का सारा सामान है हर तरह की. ये देखो लेदर वाली बॉल्स भी बड़ी हैं, देख के बड़ा तमन्ना पुराने दिन याद आ जाते हैं हमारे को. और $10 ऑफ चल रहा है किट पे. ये बाकी के बैट्स हैं 40-50 dollars में. एंड देन ये बाकी की वुडन वाली विकेट्स भी हैं और प्लास्टिक वाली भी हैं बच्चों के लिए. सो कम चेक दिस आउट, सेवर पे है. वेरी नाइस यार, बड़ा अच्छा लगा मेरे को. वो लेदर वाली बॉल देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, लेदर की जो वो नहीं नहीं ना उससे लगती है, उससे उसके लिए किट चाहिए होती है फिर ना खेलने के लिए. सो मैं अपने ज़माने में अच्छा विकेट कीपर एंड बैट्समैन होता था. काफ़ी दूर दूर से लोग मैच देखने, हम मैच खेलने लोगों के साथ जाते थे. एवरी वीकेंड लोग हमें बोलते थे तू मेरी टीम से खेल ले, मेरी टीम से खेल ले. आई एम नॉट बोस्टिंग बट आई लाइक एवरी अदर यूथ इन इंडिया आई वॉज एबल टू प्ले. यू वर अबव एवरेज आई वुड से. जस का ना एक्चुअली नाम था, निक नेम जो था संचू. तो जस को ना आते थे लोग बुलाने संचेत. और फिर ना जस को ऐसे बोलते थे फील्ड पे चीयर करने के लिए, संचू यार छक्का मार, आई लव दैट थिंग. सो वो पुराना टाइम था बड़ा. चलो जी, इट वाज गुड ओल्डन डेज. हां, सो आई एम श्योर हर बंदा जो हमारे एरा का है ना, जो आजकल हमारे एरा का जो भी है, 90% ऑफ पीपल लव हैव द पैशन फॉर क्रिकेट एंड देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट. आई एम नॉट अलोन एंड आई वाज नॉट द ओनली वन. देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन मी, जस्ट लाइक एवरीबॉडी देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट. क्या लेना था तूने? लेना था भूल गई, क्या लेना था? एक चीज लेने आई थी, स्पाइसी पारा भी है. लेना था हमने ये चाट पापड़ी, भल्ले घर पड़े हुए हैं तो भल्ले में पापड़ी डाल के खानी है नेहा को आज ये. चलो जी चले, गेट गोइंग. लेट हो रहा है. ये एक्चुअली ना बड़ी जल्दी इसलिए मचा रही है क्योंकि इसको कहती है 15-20 मिनट मिलते हैं क्लाइमेट फार्म्स पे, कोई प्लांट देख ले. आगे फार्म है पेट्रोल पंप पे, ऐसा हो गया. समोसे ताजे बनाते हैं लोग, पता नहीं, पूछ लेते हैं अभी.
सेवर सेवर इज एक्चुअली सेवर क्योंकि नया कुछ चाहिए इधर चाट पापड़ी सो आई न्यू एग्जैक्टली यहाँ पे मिलेगी मैं इतने दिनों से बोल रही थी एंड मेरे को चार जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे पता है यहीं पे मिलेगी एंड वॉलमार्ट वुलमार्ट ना नमक पारे मिल जाते हैं लेकिन पापड़ी नहीं मिलती जस्ट ऑलवेज सेज मी गोलगप्पे को क्रश कर ले पापड़ी बन जाएगी मैं पापड़ी वाली पतली पतली करारी करारी खानी है हमें तो भल्लों में डाल के जल्दी पकड़ क्लेमेंट फार्म जाना तेरे नहीं जा पाएंगे अब तो टाइम ही नहीं 12 हुए हैं अभी रुक के 5-10 मिनट देख ले सामने ही है इधर मैं तो हो जाती नहीं तो आर्या के साथ आ जाऊंगी चलो वहाँ से फिर सीधा घर ही निकल वहाँ से घर चले जाएंगे टाइम बचेगा बड़ा तो भल्ले तो भाई पापड़ी के बिना अधूरी है तो मैंने कहा पापड़ी भी कभी खाने का मन करता है भल्ले नहीं खाने का मन करता तो आज बनाएंगे भल्ले पापड़ी चाट फर्स्ट क्लास दही दाल के एंड सारा कुछ मम्मी की स्पेशल मैजिक वाली सौंठ चटनी मम्मी ने बड़ी स्वाद बहुत यार इतनी सी डालो उसमें क्या करेक्ट स्पाइस है और क्या करेक्ट लिक्विड कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं डालनी पड़ती बाहर वाली ज्यादा डालनी पड़ती है कभी मम्मी को कहूंगी कि शेयर करेंगी रेसिपी आप लोगों से ये ना एसओ के स्टेशन पे है क्लेमेंट फार्म्स का हमने जाते हुए देखा था सेल लगी हुई है अभी आजकल इस पे पेरिनियल्स पे तो हमने कहा चलो रुक जाते हैं नया कुछ प्लांट देख लेगी मैंने नया को बोला यहाँ लोग जा खरीदते नहीं है तो यहाँ से देख ले शायद तेरे को चीज मिल जाए जो तू जा रही है कहती है यहाँ लोग चोरी जाया करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एरिया आपको पता है हर जगह हर सिटी में ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ थोड़े से सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं तो दिस एरिया इज वन ऑफ दोज नया गेरी कभी जिंदगी में तूने ब्रश पकड़ा मैंने पकड़ा ब्रश नया टूथब्रश सवेरे रोज पकड़ता हूँ दिन में दो बारी मॉर्निंग एंड इवनिंग यू नीड टू गो एंड लर्न पेंटिंग जस्ट इन लाइफ थोड़ा आर्ट लाओ इधर गई हुई है बच्ची हमारी ना बच्ची को लेने के लिए खड़े हुए हैं टाइम पे 12:15 हुए हैं और 12:30 का टाइम है आ जाएगी Hi, this is Neha calling. I'm calling in regard to check if you guys have couple perennials that I'm looking for before I drop in this afternoon. ये देखो guys कितना अच्छा है कुछ भी उठाओ पेंट करो इन लोगों के ना समर कैंप्स भी हुए हुए हैं पेंट क्लासेस हैं बहुत कुछ है यार बहुत ही सुंदर और खुशबूदार जगह है यार इतना प्यारा पेंट की स्मेल आ रही है इट्स सो नाइस मेरा मन कर गया यार कुछ लेके पेंट करने का सारा बर्थडे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो ये देखो सारा स्प्लैटर रूम कितना बढ़िया है अंदर देखो पेंट के सारे वो एप्रन्स और ड्रेसेस पड़ी हुई हैं लोग पहन के करते हैं ये लोगों के कैनवस हैं कितने अच्छे हैं देखो इट्स सो सूदिंग एंड नाइस प्लेस यार बहुत अच्छा है लव इट देख लो भाई सब 2 मिनट पहले ही आ गई है नेहा ले आई है फटाफट आ गई है लाडो क्या है ये बैट है क्रिकेट खिलाड़ी बनेगी कि नहीं कनाडा की है ये पिज्जा मिला पिज्जा दैट्स नॉट पिज्जा व्हाट्स दैट दैट्स माय कैनवास दैट आई पेंटेड आपके लिए पिज्जा वाओ इट्स अ पिज्जा मुझे भी यही लगा बट इट्स अपेरेंटली द सुवेनिर दैट और समथिंग कैनवास दैट शी पेंटेड हां क्योंकि पेंटिंग की गैदर्ड लॉट ऑफ डिटेल्स अभी बताती हूं ओके पेंटिंग की है ना एक्चुअली ये पूरा पेंट क्राफ्ट वगैरह अच्छी थी इवेंट अच्छा था so much fun acha aur aapne khaya piya kuch beta yeah okay very good cupcakes and chips and all acha acha beja beja gaadi garam ho rahi hai jaldi beja so I basically gathered lot of details for the summer camp acha and for our ki yahan pe 8 din ka summer camp hai jaise aaryaa ko paint poon pasand hai subah 10 se 4 baje tak अच्छा है तो कभी भी छोड़ दो कंडीशनिंग है कोई बाहर बच्चों ने धूपों में नहीं घूमना तू सुबह इसको छोड़ दे और मैं दोपहर को पिक करता हूँ आ जाऊंगा मैं यहीं से निकलता हूँ इट्स वेरी वेरी नाइस लाइक वी कैन थिंक अबाउट इट बट समथिंग दैट वी डिडंट हैव हियर पेंट स्टूडियो नॉट ओनली बच्चों के लिए एडल्ट्स के लिए भी अंदर बैठे हुए हैं पीपल आर हैविंग पेंट डेट्स अच्छा 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 तो भाइयों बहनों सर्कल ड्राइव के पास ईस्ट इलाके की शुरुआत में एक एरिया का नाम है सदरलैंड ये है पीछे सदरलैंड का एरिया वेरी क्लोज टू ऑल एमिनिटीज वेरी क्लोज टू यूनिवर्सिटी अच्छी जगह है अपार्टमेंट्स वगैरह अगर लेनी है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलती है सदरलैंड में बिना संकोच के ले सकते हो बड़ी अच्छी जगह है नेहा जी इज एज यूजुअल बिजी इन प्लांट्स हम आए हैं मिस्टी मिस्ट मिस्ट लेने आए हैं हम हाँ बड़ा डेकोरेशन का सामान अच्छा है वाओ दिस फील्स लाइक वी आर वेयर ओह माय गॉड दिस इज वी आर इन
ये बहुत अच्छा मिस्टी मिस्टी आ रहा है, मेरे कैमरे में पड़ गया सारा। लो जी जैस्मिन। अच्छा, एंड ये बहुत सुंदर है ये वाला समथिंग लाइक दैट। वो देखो क्या कर रही है, पानी पी रही है कैसे, फिर फिल्टर उस पर खड़ी होके। इसको मिस्ट बहुत पसंद आ गई है, ये बार बार जाती है, मूड हो गया आती है, गर्मी बहुत है। चलो जी फाइनली डन हो गया, अब जाके बिल पेमेंट करें। बट हाउ मच डू यू थिंक आई है? $5,000। आर यू क्रेजी? अंदर आते सार इनके स्टोर में इतना कपड़ा है, ओ माई गॉड। वुमेन ही आती है गार्डन की शॉपिंग करने, मैन तो आते नहीं। ये तो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, भेदभाव भेदभाव है। चलो 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 बच्चों, चलो चलो। ये कहते हैं एंड टाइम तक शॉपिंग करो, गार्डन के बाद आ जाओ कपड़ों में, सूविनर्स में, अंदर के प्रोडक्ट्स में। हाँ बहारों की मल्लिका आ गई फिर से बहार लेके। थैंक यू जसदीप फॉर बीइंग सो पेशेंट। इनको यार रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, वो गाड़ी में जगह ही नहीं है रखने की। अरे मैं हाथ में पकड़ के बैठ जाऊंगी। तो हाथ में कह रही है हाथ में पकड़े बैठ जाऊंगी। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूर है थोड़ा सा ये, और वो मूंगफली खा रही है उसको उसको भूख अगली बार ले लेंगे। ये मांग रही है ये आर्क। इस सवेरे हम घर पे निकल गए थे घर से 10 बजे, 2 बजे घर बने हैं, 4 घंटे लगा के अब घर आ गए। हाँ काम सारे हो गए विच इज गुड। नेहा बात कर रही है चेयर्स की, ऐसे भाई कोई आए भाई पार्ट बंदा बात पूछित कर लेता है, कोई आता है कोई बैठता है। आओ जी दो गल्ला करिए, कुर्सियां तैयार ने। ये बहारे हैं सिर्फ समर की, क्योंकि विंटर में तो गैराज में भैया खड़ी होती है गाड़ियां, तो आजकल हम बाहर खड़ी करते हैं गाड़ियां, थोड़ा समर है इसलिए। अब सामान निकालना है। ओ पिज्जा, ओ गिर ना जाए गिर ना जाए। ये आइए बना के लाइए कैनवस। ओके सो यू प्रोबब्ली सी द टेप्स इन द कॉर्नर्स या दैट्स आई एम गोना पील दैट ऑफ टुमारो। ओके एंड ये हमारा क्रिकेट आर्क। आई एम गोना पील ऑल ऑफ दिस ऑफ टुमारो एंड इट विल से माय इनिशियल्स। ये देखो भाई सब सब जुगाड़ तगड़ा है, कुर्सियां डटी हुई हैं, स्नैक्स पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या बना के लाई है। चलो जी, नहीं मतलब बहुत ही अच्छा बना के लाई है, सॉरी 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 सॉरी। आ गया जी, सबसे बोरिंग वर्क है ये? नहीं नहीं ये पीछे वाला। अच्छा अच्छा मेरे को लगा ये वाला। सो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें बिना मत जाना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। This is such a वो दिस इज अ स्कैम। दे हैव गिवन यू अ बेकार सा पीस इन द पिज्जा बॉक्स एंड आई गॉट सो एक्साइटेड दैट इट माइट हैव अ पिज्जा इन इट। मैंने कहा पिज्जा ये, बट मेरे को पता है इमीडिएटली बुखार चढ़ गया। मैंने कहा मेरी बच्ची ने कुछ नहीं खाया यार 2 घंटे से। चलो जी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Forever, I'm loving this moment.